हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप लोगों का उरी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम उरी ऑनलाइन क्लासेस की छत्तीसगढ़ स्पेशल क्लास में पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये हमारा आज का टॉपिक है। आप उरी ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा एसीएफ के लिए, सीजीपीएससी प्री और मेंस के लिए तथा व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्पेशल छत्तीसगढ़ के प्रारंभ है। आप 500 रुपीज पर मंथ पे करके छत्तीसगढ़ की क्लास, उसके नोट्स और उसके टेस्ट सीरीज क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, पूरी ऑनलाइन क्लासेस आपको 5 दिन का डेमो क्लास भी देता है। ठीक, क्लियर। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ या फिर छत्तीसगढ़ के जिले। तो वर्तमान 2020 तक आपको अच्छे से मालूम है छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 है, 28 है। ये जो छत्तीसगढ़ के 28 जिले हैं, इन जिलों को मैं आपको दो भागों में बांटकर बताऊंगा। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में 18 जिलों को सीमावर्ती जिले की श्रेणी में रखा जाता है। सीमावर्ती जिले, बताता हूं क्या होता है। जबकि बचे 10 जिले भू आवेशित या फिर लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। ठीक, देखिए सीमावर्ती जिले किसी भी प्रदेश या हमारे छत्तीसगढ़ के उन जिलों को कहा जाता है जिनकी सीमा किसी अन्य राज्यों के साथ लगी हुई है। जबकि भू आवेशित जिले वे जिले होते हैं जो सीमावर्ती जिलों से घिरे होने के कारण किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, उन्हें ही भू आवेशित या फिर हिंदी में एक और अन्य नाम है स्थलरुद्ध, जिसे अंग्रेजी में लैंड लॉक्ड कहा जाता है। ठीक, तो यही आज हम 28 जिलों की बात कर रहे हैं। ये जो 18 सीमावर्ती जिले हैं ना, इन लोग अन्य राज्य से, इन लोग अन्य राज्य से क्या है, लगे हुए हैं। और यदि अन्य राज्य से लगे हुए हैं तो इनकी संख्या भी होगी। तो अन्य राज्य की संख्या है 7, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ के 18 सीमावर्ती जिले कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करते हैं, 7 राज्यों के साथ सीमा शेयर करते हैं। ये जो 18 सीमावर्ती जिले हैं ना, इन लोग अपनी कुल 2203 किलोमीटर सीमा, 2203 किलोमीटर सीमा इन 7 राज्यों के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इन 2203 किलोमीटर सीमा में सर्वाधिक सीमा ओडिशा स्टेट से लगी हुई है। ओके, जबकि सबसे कम सीमा हम आंध्र प्रदेश के साथ शेयर करते हैं। यदि इन दोनों का जिक्र हो ही चुका है तो हम यह भी देख लेते हैं कि इन 2203 किलोमीटर सीमा में कितनी सीमा आंध्र प्रदेश की है और कितनी सीमा ओडिशा की है। तो 2203 किलोमीटर में 830 किलोमीटर, 830 किलोमीटर ओडिशा राज्य का है, जबकि केवल 38 किलोमीटर सीमा किसका है, आंध्र प्रदेश का है, 38 किलोमीटर। यानी कि 2203 में सर्वाधिक 830 ओडिशा से लगी हुई है, जबकि
आंध्र प्रदेश में 2203 में सबसे कम 38 किलोमीटर किससे लगी हुई है? आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। तो चलिए सबसे पहले उन 7 राज्यों को देख लेते हैं जो हमारे राज्य से सटे हुए हैं, लगे हुए हैं। बातों को समझना है, रटना नहीं है, मैं आपको सिस्टमेटिक वे से ऊपर से नीचे की ओर ले जा रहा हूं। देखिए सबसे पहला राज्य आप उत्तर प्रदेश को मानिए, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगा हुआ यूपी, यूपी के पश्चात दूसरा आपको याद रखना है झारखंड, क्लियर। झारखंड के पश्चात जो स्टेट आपको याद रखना है वो है ओडिशा, फर्स्ट वन उत्तर प्रदेश, नाउ सेकेंड झारखंड एंड थर्ड वन इज ओडिशा। आफ्टर ओडिशा यू हैव टू रिमेंबर आंध्र प्रदेश, चौथा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आफ्टर आंध्र प्रदेश इट इज तेलंगाना, पांचवा कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना के पश्चात या बाद आप याद रखें किसको? महाराष्ट्र। और अंत में आप याद रखें मध्य प्रदेश। ये वही 7 राज्य हैं जो हमारे किससे? छत्तीसगढ़ से, हमारे राज्य से लगे हुए हैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूं, ये आपका ऊपर है उत्तर प्रदेश, उसके नीचे झारखंड, झारखंड के नीचे ये आपका ओडिशा, ओडिशा के नीचे ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये हमारा तेलंगाना, तेलंगाना के बाद ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं कि इन राज्यों के साथ हमारी कितनी कितनी सीमा लगी हुई है। तो आपको अभी मैंने बता दिया है कि सबसे अधिक ओडिशा के साथ कितना? 830 किलोमीटर, ठीक। सबसे अधिक एक पहले क्रम में याद रखिए, सर्वाधिक सीमा पहले नंबर पर ओडिशा 830 किलोमीटर, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा? मध्य प्रदेश, लगभग 410 किलोमीटर अपन किससे शेयर करते हैं? मध्य प्रदेश से। तीसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का, 379 किलोमीटर, 379, 410, 830, 1, 2, 3, ओडिशा फर्स्ट, सेकंड मध्य प्रदेश, और थर्ड वन इज महाराष्ट्र, ठीक। चौथे स्थान पर आपको याद रखना है झारखंड को, ठीक है। चौथी सर्वाधिक सीमा किससे लगी हुई है? झारखंड से, और ये सीमा है 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर, ठीक। आफ्टर दैट, आफ्टर झारखंड, पांचवें स्थान पर, पांचवें नंबर आता है तेलंगाना, तेलंगाना का, तेलंगाना से 173 किलोमीटर, ओके। देन आफ्टर 6 नंबर पर है उत्तर प्रदेश, ओनली 103 किलोमीटर, एंड लास्ट वन इज आंध्र प्रदेश, दैट इज ओनली 38 किलोमीटर, मात्र 38 किलोमीटर। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो 2203 किलोमीटर सीमा है, इन राज्यों में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर्वाधिक 830 ओडिशा, दूसरा मध्य प्रदेश 410, तीसरा महाराष्ट्र 379, चौथा झारखंड 270, पांचवा तेलंगाना 173 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश 103 103 किलोमीटर, और सबसे कम आंध्र प्रदेश से कितनी? 38 किलोमीटर सीमा जो है शेयर होती है। तो हमने आपका पहले देखा कि 7 राज्यों से लगी हुई है, ये 7 राज्य कौन कौन से बता दिया। इसके बाद 2203 ये मैंने आपको बता दिया कहां कहां कितना लगा हुआ है। इसके बाद देखिए कौन कौन से वो 18 जिले हैं जो इन 7 राज्यों से लगे हुए हैं। इनको जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किस राज्य से हमारे राज्य के कितने जिले लगते हैं, ठीक। तो सर्वाधिक ओडिशा से
आठ जिले लगते हैं, आठ ठीक। एमपी से सात, महाराष्ट्र से चार, तीन आंकड़े, ओडिशा से आठ, मध्य प्रदेश से सात और महाराष्ट्र से चार ठीक। झारखंड और तेलंगाना से दोनों में इक्वल है, दो दो जिले लगे हुए हैं, दो दो जिले टच करते हैं, आंध्र प्रदेश सॉरी झारखंड और तेलंगाना, जबकि जो दोनों पी वाले हैं यूपी और एपी प्रदेश वाले, इनसे मात्र राज्य के एक एक जिले क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं या लगे हुए हैं ठीक। यहां तक यदि कोई दिक्कत ना हो तो मैं आगे बढ़ता हूं कि वो जिले कौन कौन से हैं ये अपन देख लेते हैं ठीक है। ओके मैं आई सर बलरामपुर, आप देख रहे होंगे कि यूपी से बलरामपुर, उसके बाद झारखंड से भी क्या बलरामपुर, आपको मालूम है झारखंड से कितने लगे हैं, दो लगे हैं, एक स्वयं बलरामपुर और दूसरा कौन सा जसपुर ठीक। यूपी से बलरामपुर, झारखंड से बलरामपुर और जसपुर, बात करें ओडिशा से तो ओडिशा से कितने आठ, एट, फर्स्ट वन जसपुर, जसपुर के नीचे रायगढ़, रायगढ़ के नीचे आप महासमुंद, महासमुंद के नीचे गरियाबंद, गरियाबंद के नीचे ये धमतरी, धमतरी के नीचे आप याद रखें कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे आप याद रखें बस्तर, और बस्तर के नीचे कौन सा सुकमा, देखिए पहला सुकमा, दूसरा बस्तर, तीसरा कोंडागांव, चौथा धमतरी, पांचवा गरियाबंद, छठा महासमुंद, सातवा रायगढ़ और आठवा जसपुर, ये वो आठ जिले हैं जो किससे लगे हुए हैं, ओडिशा से लगे हुए हैं। बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश से कितनी, मात्र एक जिला लगी हुई है और वो जिला कौन सा है, सुकमा ही है, सुकमा एकमात्र किससे आंध्र प्रदेश से, दैट इज सुकमा। बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना से दो लगते हैं, एक तो स्पष्ट दिख रहा है कौन सा, ये सुकमा ठीक, सुकमा के ऊपर में ये आपका दूसरा बीजापुर क्लियर। तो तेलंगाना से लगे हुए दो जिले, एक सुकमा और दूसरा कौन सा बीजापुर ठीक। बात करें महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र से कितने चार, एक बीजापुर, बीजापुर के ऊपर में दूसरा नारायणपुर, नारायणपुर के ऊपर में तीसरा आप याद रखें किसको, कांकेर, और कांकेर के ऊपर में चौथा कौन सा राजनांदगांव। तो महाराष्ट्र की सीमा से लगे चार जिलों में एक बीजापुर, दूसरा नारायणपुर, तीसरा कांकेर और चौथा राजनांदगांव। मध्य प्रदेश से सात लगे हुए हैं तो एक राजनांदगांव, दूसरा कवर्धा ठीक, तीसरा मुंगेली ठीक, चौथा गोरेला पेंड्रा मरवाही, पांचवा कोरिया, छठा सूरजपुर और सातवा बलरामपुर ठीक। तो ये वो 18 जिले हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों से क्या हुई है, लगी हुई है क्लियर। ओके कोई दिक्कत, अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये 18 जिले ये बीच वाले क्षेत्रफल को क्या किए हैं, घेर लिए हैं, इसी कारण इन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों से टच नहीं करती है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, लैंड लॉक्ड या फिर भू आवेष्टित कहलाते हैं, भू आवेष्टित जिलों की। तो भू आवेष्टित मैंने बताया पहले कि 10 जिले हैं टोटल, तो ये 10 जिले जो है पांचों संभाग में बटे हुए हैं, तो अपन संभाग वाइज देखें तो बेटर से आपको समझ में आएगा ठीक है। तो ऊपर सरगुजा और नीचे बस्तर संभाग है,
तो इन दोनों से एक एक जिले याद रखें, सरगुजा संभाग से एक, सरगुजा स्वयं एक क्या है, भू आवेशित है, लैंडलॉक पे है, जबकि बस्तर संभाग से दूसरा कौन सा, दंतेवाड़ा। ठीक, तो सरगुजा संभाग से एक स्वयं सरगुजा भू आवेशित, जबकि बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा जिला कौन सा, भू आवेशित है। जब गौरेला पेंड्रा और मरवाही बिलासपुर से काटकर नया जिला बनाया गया, तब बिलासपुर संभाग में भू आवेशित जिलों की संख्या तीन हो गई। कितनी, तीन, एक स्वयं आपका बिलासपुर भू आवेशित है, दूसरा हमारा कोरबा भू आवेशित है, और तीसरा उनका जांजगीर चांपा क्या है, भू आवेशित है। तो देखिए, सरगुजा संभाग में स्वयं सरगुजा एक, बिलासपुर संभाग के तीन, स्वयं बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा, ये तीनों क्या है, भू आवेशित है। इसके बाद देखिए, इधर आपका दुर्ग संभाग और इधर दुर्ग संभाग के तीन जिले, कितने जिले, तीन जिले भू आवेशित है, तीन। दुर्ग संभाग के तीन जिलों में, तीन भू आवेशित जिलों में, एक बीच में हमारा दुर्ग, दुर्ग के ऊपर में ये बेबेतरा और दुर्ग के नीचे में बालोद, ये तीनों के तीनों कैसे जिले हैं, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट या भू आवेशित जिले। और बात करें रायपुर की, तो रायपुर संभाग के दो जिले कैसे हैं, लैंडलॉक्ड या भू आवेशित है, इधर आप बलौदा बाजार को याद रखिए, और दूसरा आपका कौन सा, रायपुर। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ के 10 भू आवेशित जिले। क्लियर, बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा स्वयं, सरगुजा संभाग में स्वयं कौन, सरगुजा, बिलासपुर संभाग के तीन जिले, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा, दुर्ग संभाग के तीन जिले, स्वयं एक दुर्ग, दूसरा ऊपर में बेमेतरा और तीसरा बालोद, रायपुर संभाग के दो जिले, ऊपर में बलौदा बाजार और इधर स्वयं एक रायपुर। क्लियर, तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में भू आवेशित जिले कितने हैं, 10। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के जिले वाला टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। इसके पश्चात में आज 21 जून को आपको मालूम है कि सूर्य ग्रहण लगा, तो अगला वीडियो जो है कल मैं सूर्य ग्रहण से संबंधित बनाऊंगा। ठीक, वीडियो को आप जो है लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑनलाइन डेमो क्लास लेने के लिए 9174668888 पर हमें क्या करें, संपर्क करें। क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी क्या रहेगा, इसी में इंक्लूड।